तो दोस्तों आज 22 अगस्त 2020 शनिवार का दिन हो चुका है। तो आइए फटाफट से बात कर लेते हैं आज के ताज़ा खबरों की और आज के बड़े खबरों की। दोस्तों आज की बड़ी खबरों में एक बार फिर से लॉकडाउन को लेकर बड़ी खबर आई है। आने वाले दिनों में फिर से लॉकडाउन लगने वाला है। इसके अलावा आपको बता दें कि सरकार ने धारा 144 का भी ऐलान किया है, यानी फिर से पहले की तरह धारा 144 लगाई जाएगी। इसके अलावा कर्फ्यू भी लगेगा। तो दोस्तों अभी हम आपको लॉकडाउन को लेकर, धारा 144 को लेकर और कर्फ्यू को लेकर ये जो बड़ी खबर आई है, हम आपको इसकी पूरी रिपोर्ट बताएंगे। दोस्तों साथ ही मैं आपको बता दें कि आने वाले दिनों में जो भी चुनाव होने वाले हैं, तो इसके लिए चुनाव आयोग की तरफ से नए नियम जारी कर दिए गए हैं। तो चुनाव डालने के इस बार नए नियम क्या होंगे, हम आपको अभी उसके बारे में भी बताएंगे, क्योंकि आने वाले दिनों में कई जगहों पर चुनाव होने वाले हैं। साथ ही मैं आपको बता दें कि जिन भी लोगों का बैंकों में खाता है, तो उन लोगों के लिए बड़ी चेतावनी जारी की गई है। तो अगर आपका किसी भी बैंक में खाता है, तो ये खबर आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो हम आपको इसके बारे में भी बताएंगे कि क्या चेतावनी जारी की गई है। दोस्तों इसके अलावा जिन लोगों की नौकरी चीनी बीमारी की वजह से छूट गई है, तो उन लोगों को घर बैठे बिठाए आधी सैलरी दी जाएगी। तो ये किन लोगों को मिलेगा और इसका फायदा कैसे उठाना है, हम आपको इसके बारे में भी बताएंगे। दोस्तों इसके अलावा सरकार की तरफ से पीएम आवास योजना को लेकर बड़ी खबर आई है। सरकार की इस योजना के तहत सरकार घर खरीदने के लिए पैसे की मदद करती है। दोस्तों आपको बता दें, इस योजना की डेट खत्म हो गई थी, लेकिन सरकार ने इस योजना की डेडलाइन को फिर से बढ़ा दिया है। साथ ही में ताज़ा रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि आप अपना नाम अब चेक कर सकते हैं कि आपको इस योजना का फायदा मिलेगा या नहीं। तो हम आपको अभी इसके बारे में भी बताएंगे। साथ ही में सरकार की तरफ से एक नए कॉन्टेस्ट की खबर आई है, एक नए स्कीम की खबर आई है, जिसके तहत आपको बिल्कुल फ्री में 25,000 रुपए मिल सकते हैं। आपको बस सरकार का एक छोटा सा काम करना होगा घर बैठे बैठे। तो दोस्तों आज हम आपको अपने इस वीडियो में इन्हीं सब महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं। तो वीडियो को बिना भगाए ध्यान से आखिर तक देखें, ताकि कोई भी जानकारी, कोई भी खबर मिस ना हो। वीडियो में आगे जाने से पहले बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। और आज की पहली बड़ी खबर में सबसे पहले आपके लिए पेश है चीनी बीमारी का बिल्कुल ताज़ा अपडेट सीधे अपने भारत की तरफ से। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, PTRnews.com की तरफ से चीनी बीमारी का बिल्कुल ताज़ा अपडेट आपके सामने है। ताज़ा मिली जानकारी के मुताबिक एक बार फिर से हमारे भारत में 69,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं चीनी बीमारी के। इन नए मामलों के आने के बाद अब हमारे भारत में चीनी बीमारी के टोटल मरीजों की संख्या 29,73,368 हो गई है। आपको बता दें, इन टोटल मरीजों में से अब तक 55,928 लोगों की जान जा चुकी है चीनी बीमारी की वजह से हमारे भारत में। आपको बता दें, बीते रोज लगभग 24 घंटे में 950 से ज्यादा लोगों की जान गई है। लेकिन अच्छी बात ये रही कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में 62,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं चीनी बीमारी से। ठीक होने वालों की टोटल संख्या 22,20,799 हो गई है। इसके अलावा अब जो लोग बचे हैं, जिन लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है, तो उनकी संख्या अब हमारे भारत में 6,96,099 हो गई है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो चाइना का बड़ा फैसला, बीजिंग में बाहर निकलने पर मास्क पहनना अनिवार्य नहीं। जी हाँ, चीन की राजधानी बीजिंग के लोगों को अब बाहर निकलने पर मास्क लगाने की जरूरत नहीं होगी। स्वास्थ्य के अधिकारियों ने शुक्रवार को ये जानकारी दी है। फरवरी से लेकर अब तक चाइना की राजधानी में केवल 935 मामले सामने आए हैं, जिनमें से 924 लोग ठीक भी हो गए हैं। तो इसीलिए चाइना की राजधानी के लिए ये ऐलान कर दिया है कि अब जो भी लोग बाहर निकलेंगे, तो उन लोगों को मास्क लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन साथ में ये खबर भी आई है कि अगर किसी के ज्यादा नजदीक जाएंगे, तो फिर मास्क लगाना जरूरी होगा। दोस्तों इससे एक तसल्ली मिलती है कि जहाँ से चीनी बीमारी की शुरुआत हुई थी, तो वहाँ पे हालात बिल्कुल पहले जैसे होने वाले हैं। तो ऐसा लगता है आने वाले दिनों में भारत के लोगों को, इसके अलावा पूरी दुनिया को, चीनी बीमारी से छुटकारा मिल सकता है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो तय समय पर होंगे बिहार के विधानसभा के चुनाव। चुनाव विभाग ने जारी किए हैं इसके लिए नए दिशा निर्देश। जी हाँ, चीनी बीमारी महामारी के बीच चुनाव किस तरह होंगे, वोटिंग किस तरह होने हैं, चुनाव का प्रचार किस तरीके से होगा, इन सभी चीजों के लिए चुनाव आयोग की तरफ से नए दिशा निर्देश यानी के नियम जारी कर दिए गए हैं। दोस्तों अगर आपको पता नहीं है, तो हम आपको बता दें कि जल्द ही बिहार में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश के भी 26 विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इसके अलावा अगले जो भी चुनाव होंगे, और अगर उस समय चीनी बीमारी के हालात ऐसे रहेंगे, तो इस तरह के नियम उस समय तक लागू रह सकते हैं। ताज़ा जानकारी के मुताबिक इस बार जो चुनाव का पूरा कार्यक्रम होगा, तो इस पूरे कार्यक्रम के दौरान हर वक्त मास्क पहनने के नियम का पालन करना होगा, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना होगा, इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। इसके अलावा जो भी लोग वोट डालने जाएंगे, तो उन लोगों को ग्लव्स यानी कि दस्ताने दिए जाएंगे। साथ ही में जो लोग चुनावी अधिकारी होंगे, तो उन लोगों को एक किट दी जाएगी, जिसमें सैनिटाइजर, मास्क, फेस शील्ड, साथ ही में ग्लव्स वगैरह होंगे। तो जो भी अधिकारी होंगे वोट करवाने के दौरान, तो उन लोगों को इन सभी किट का इस्तेमाल करते हुए चुनाव विभाग के नए नियमों का पालन करना होगा। साथ ही चुनाव में जो भी उम्मीदवार खड़े होंगे, तो वो अगर घर घर जाकर अपना प्रचार करेंगे, तो वो लोग ज्यादा लोगों के साथ नहीं जा सकते, केवल 5 लोगों की अनुमति होगी। रोड शो या रैली वगैरह की जा सकेगी, लेकिन रैली में नियमों का पालन करना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना होगा। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी
भी नजर रखने के लिए साथ में होंगे कि जो रैली की जा रही है उसमें सही से नियम का पालन किया जा रहा है या नहीं। साथ ही मैं आपको बता दें कि जो भी लोग चुनाव डालने जाएंगे तो उनका तापमान चेक किया जाएगा। नॉर्मल से अगर ज्यादा तापमान निकलेगा तो ऐसे लोगों को बिल्कुल लास्ट में चुनाव डालने का मौका मिलेगा। साथ ही में जो लोग चीनी बीमारी के मरीज हैं, थोड़े बहुत जिनमें लक्षण हैं और वो लोग अपने घर में क्वारंटीन हैं, तो ऐसे लोग भी चुनाव में वोट डालने जाएंगे लेकिन सबसे लास्ट में। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो चीनी काल में मास्क अनिवार्य होने के बावजूद इस वाले हालात में हटाना पड़ सकता है मास्क। जी हाँ, जैसा कि हमने आपको बताया कि चुनाव के दौरान या अभी कैसे भी हालत में पूरे भारत के लिए ये नियम लागू है कि लोगों को हर वक्त बाहर निकलते वक्त अपने चेहरे पर मास्क पहनना होगा। लेकिन आपको बता दें, एक ऐसी सिचुएशन आएगी जब आपको अपना मास्क थोड़ी देर के लिए हटवाना पड़ सकता है। जब आप वोट डालने जाएंगे तो जो वहाँ अधिकारी होंगे तो वो लोग आपकी पहचान करने के लिए थोड़ी देर के लिए आपका मास्क हटवा सकते हैं कि जो वोट डालने आया है वो सही व्यक्ति है या नहीं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो सुप्रीम कोर्ट में याचिका, चीनी बीमारी और बाढ़ मुक्त होने तक बिहार में चुनाव टालने की है मांग। जी हाँ, जैसा कि हमने आपको बताया कि जल्द ही बिहार में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, लेकिन आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट में इसी को लेकर एक याचिका भी डाल दी गई है जिसमें ये बताया गया है कि जब तक चीनी बीमारी के मामले कम नहीं होते, इसके अलावा बाढ़ वगैरह के भी हालात सही नहीं होते, तब तक बिहार में चुनाव टाल दिए जाएं। इसकी मांग सुप्रीम कोर्ट से की गई है। तो दोस्तों, अगर सुप्रीम कोर्ट ने इस वाले हक में फैसला ले लिया तो बिहार में चुनाव को टाला जा सकता है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो पंजाब के बाद अब हरियाणा में भी शनिवार और रविवार को रहेगा लॉकडाउन। जी हाँ, ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में धीरे धीरे देश के और भी राज्यों में पहले की तरह लॉकडाउन लग सकता है। अभी हाल ही में पंजाब सरकार की तरफ से ये ऐलान किया गया था कि पूरे पंजाब में अब शाम 7 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा। इसके अलावा वीकेंड पर यानी कि शनिवार और रविवार को पूरी तरीके से लॉकडाउन रहेगा, सारी चीजें बंद रहेंगी, लेकिन जो जरूरत के सामान है वो मिलते रहेंगे। यानी कि हफ्ते में 2 दिन के लिए पहले वाला लॉकडाउन लगेगा। लेकिन आपको बता दें, पंजाब के बाद अब हरियाणा ने भी यानी कि हरियाणा की सरकार ने ये ऐलान कर दिया है कि अब राज्य में शनिवार और रविवार को लॉकडाउन रहेगा। लेकिन साथ में ये जानकारी दी गई है कि जो भी जरूरी सेवाएं हैं वो चालू रहेंगी, जरूरी सेवाओं को छोड़कर बाकी सभी चीजें बंद रहेंगी। लेकिन आपको बता दें, लोगों के आवाजाही पर कोई रोक नहीं होगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन बोले, पंजाब को अमेरिका बनने नहीं देंगे, पूरे देश में धारा 144 लागू। जी हां, जैसा कि हमने आपको बताया कि पंजाब की तरफ से अभी हाल ही में कर्फ्यू का ऐलान किया गया था शाम 7 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक के लिए। आपको बता दें, इसी के एक दिन बाद यानी कि बीते रोज शुक्रवार को अब पूरे राज्य में धारा 144 भी लागू कर दी गई है। धारा 144 लागू हो जाने के बाद बहुत सारे लोग एक साथ नहीं घूम सकते, यहां तक कि अगर 4-5 लोग भी एक साथ घूमते हैं तो उनसे पूछताछ की जा सकती है। आपको बता दें, ये धारा 144 फिलहाल 31 अगस्त 2020 तक के लिए लगाई गई है। साथ ही में ये भी जानकारी आई है कि जो लोग धारा 144 का उल्लंघन करेंगे यानी कि लॉकडाउन के नियमों को तोड़ेंगे तो उनको गिरफ्तार भी किया जा सकता है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो आपके बैंक के नाम से आए ईमेल तो हो जाएं सावधान, लिंक खोलते ही खाली हो सकता है आपका बैंक अकाउंट। जी हां, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी बैंक के ज्यादातर काम ऑनलाइन हो गए हैं, लेकिन ऑनलाइन होने से सुविधा तो बढ़ी है लेकिन फ्रॉड भी बढ़ गया है। आपको बता दें, अभी इस समय आपको कुछ ऐसे ईमेल आ सकते हैं जो कि आपके बैंक की तरफ से होंगे, लेकिन उसमें जो लिंक दिया गया होगा उस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका खाता खाली हो सकता है। लेकिन आपको बता दें, जो मेल आएगा वो आपको लगेगा कि आपके बैंक की तरफ से है, लेकिन वो असल में बैंक की तरफ से नहीं बल्कि जासूसों की तरफ से, फ्रॉड लोगों की तरफ से होगा। आपको बता दें, इस तरह के मामले काफी बार सामने आ चुके हैं। जैसा कि आप जानते होंगे, बैंक की तरफ से जब भी कोई मेल आता है तो वो बैंक के नाम से आता है, लेकिन आपको बता दें, ठग करने वाले बैंक के नाम के आगे पीछे थोड़ा बहुत बदलाव करके फ्रॉड करने के लिए नई ईमेल आईडी बना लेते हैं, और फिर उसके बाद जब लोगों को मेल भेजा जाता है तो लोगों को लगता है कि ये मेल सीधे बैंक की तरफ से आया है क्योंकि उसमें ज्यादा अक्षरों का फर्क नहीं होता। तो दोस्तों, इसीलिए आपको सावधान रहना होगा। अगर आपके पास कोई ऐसा मेल आता है जो कि आपको लगता है कि वो आपके बैंक की तरफ से आया है, तो आपको उस वाली ईमेल आईडी को सही से चेक करना होगा जिसके जरिए आपके पास मेल आया है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो चीनी बीमारी के संकट में नौकरी गंवाने वालों को मिलेगी आधी सैलरी। जी हां, अगर आप भी चीनी बीमारी के संकट की वजह से बेरोजगार हो गए हैं तो ये आपके लिए एक अच्छी खबर है। दरअसल ऐसे कर्मचारियों को सरकार बड़ी राहत देने की तैयारी में है। जानकारी के मुताबिक अब सरकार बेरोजगार हुए कर्मचारियों को आधी सैलरी देगी, यानी बिना नौकरी किए हुए ये रकम कर्मचारियों को अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट के तौर पर 3 महीनों के लिए दिया जाएगा। सरकार के इस फैसले से लगभग 40 लाख कर्मचारियों का फायदा होगा। इसका फायदा उन कर्मचारियों को मिलेगा जिनकी नौकरी 24 मार्च 2020 से लेकर 31 दिसंबर 2020 तक के लिए जा चुकी है। ताजा जानकारी के मुताबिक जिन कर्मचारियों का ESIC के तहत बीमा हो रखा है उन सभी कर्मचारियों को हाफ सैलरी मदद के तौर पर दी जाएगी। तो दोस्तों, बाकी ज्यादा जानकारी के लिए आप जहां पर नौकरी करते थे वहां से संपर्क कर सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो 70 दिनों में बस से दिल्ली से लंदन जाने का मौका। आइए बताएं कितना लगेगा किराया और कितने देशों से गुजरेगी बस। जी हां, अगर आप दुनिया घूमने का शौक रखते हैं तो ये खबर आप लोगों के लिए है। अक्सर लोग दिल्ली से लंदन फ्लाइट से यानी कि हवाई जहाज से जाते हैं, लेकिन अब आप सड़क के रास्ते भी दिल्ली से लंदन जा सकते हैं। गुरुग्राम की एक प्राइवेट
ट्रेवलर कंपनी है जिसने 15 अगस्त 2020 को ये बस लॉन्च की है, जिसका नाम है बस टू लंदन। यानी ये बस आपको भारत की राजधानी दिल्ली से लंदन लेके जाएगी और इसमें 70 दिनों का वक्त लगेगा। 70 दिनों में आपको बहुत सारे देश में घूमने का मौका मिलेगा। ये बस ताजा जानकारी के मुताबिक 18 दूसरे शहरों से होकर गुजरेगी। जहां से ये बस गुजरेगी उन देशों के नाम है म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, चीन, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, रूस, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड, चेक गणराज्य, जर्मनी, नीदरलैंड, बेल्जियम, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम। यानी इन देशों से ये बस गुजरेगी और आपको लंदन तक लेके जाएगी। अगर बात कर लें इसके किराए की तो दोस्तों प्रति यात्री किराया 15 लाख रुपए देना होगा, लेकिन पूरे 70 दिनों तक आप इसके बदले में बहुत सारे देशों में घूमेंगे। तो दोस्तों ये सफर कब से शुरू होगा, इसका रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, इन सभी चीजों की जानकारी के लिए हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे देंगे। बात करेंगे आज की अगले बड़े खबर की, तो इस सरकारी योजना में फटाफट चेक करें अपना नाम। सरकार की तरफ से अपना घर लेने के लिए पैसे द्वारा मिलेगी मदद। जी हाँ, अपना घर खरीदने का सपना हर कोई देखता है। अब देश के गरीब लोग भी सरकार की मदद से अपना घर खरीदने का सपना पूरा कर सकते हैं। सरकार की ओर से पीएम आवास योजना की सुविधा दी जाती है। ताजा जानकारी के मुताबिक इस योजना के तहत खुद के घर की खरीद करने वालों को सरकार होम लोन पर सब्सिडी देती है, जो कि 2,67,000 रुपए तक हो सकती है। दोस्तों वैसे आपको बता दें कि पीएम आवास योजना की जो डेट थी वो खत्म हो चुकी थी, लेकिन इसे फिर से मार्च 2021 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। तो जो भी लोग अपना घर लेने वाले हैं तो वो लोग होम लोन में 2,67,000 रुपए तक की सब्सिडी पा सकते हैं। लेकिन आपको बता दें कि ये फायदा उन लोगों को मिलेगा जो लोग पहली बार घर ले रहे हैं। साथ ही में इस योजना का फायदा लेने के लिए सालाना इनकम 6 लाख से 18 लाख के बीच होनी चाहिए, तभी आपको सरकार की तरफ से 2,67,000 रुपए तक का फायदा मिल सकता है। तो दोस्तों हमने आपको योजना के बारे में तो बता दिया, किन लोगों को फायदा मिलेगा इसके बारे में भी बता दिया, लेकिन आपको बता दें कि आप सरकार की वेबसाइट पर जाकर अपना नाम चेक कर सकते हैं कि आपको इस योजना का लाभ मिलेगा या नहीं। तो दोस्तों इसके लिए भी हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देंगे आपकी आसानी के लिए, जिस पर आप क्लिक करके ये जान पाएंगे कि आप अपना नाम सरकार की इस योजना के लिए कैसे चेक कर सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो सुशांत सिंह के केस को लेकर फिर आई बड़ी खबर। सीबीआई की मदद करेगी एम्स की फोरेंसिक टीम। जी हां, जैसा कि आप सभी लोगों को अब तक पता चल गया होगा कि सुशांत सिंह का केस अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सीबीआई के हवाले कर दिया गया है। आपको बता दें इसी बीच ये ताजा खबर आई है कि अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की जान जाने के मामले की जांच कर रही सीबीआई टीम की मदद अब दिल्ली एम्स की एक फोरेंसिक टीम करेगी। ये टीम सुशांत सिंह राजपूत के शरीर पर मिले चोट के निशानों का अध्ययन करेगी, यानी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो भी रिपोर्ट मिली थी उनको कहां कहां पर चोट लगी थी, तो इसका अब गहराई से दिल्ली एम्स की फोरेंसिक टीम अध्ययन करेगी और पता लगाएगी कि सुशांत सिंह ने अपनी जान खुद ली थी या उनकी जान ली गई थी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो यश चोपड़ा के जन्मदिन पर सलमान खान के फैंस को तोहफा। टाइगर 3 के ऐलान की तैयारी में है YRF यानी कि यशराज फिल्म्स। जी हां, बॉलीवुड जगत की सबसे बड़ी फिल्म प्रोडक्शन कंपनी यशराज फिल्म्स 27 सितंबर 2020 को अपनी स्थापना दिवस मनाएगी। ताजा जानकारी के मुताबिक यशराज फिल्म की जयंती पर आदित्य चोपड़ा की तरफ से कई बड़ी फिल्मों का यानी कि नई फिल्मों का ऐलान किया जा सकता है। आपको बता दें इनमें सलमान खान और कैटरीना कैफ की अगली फिल्म हो सकती है, जो कि शायद टाइगर 3 के नाम से आएगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो सरकार के इस डिपार्टमेंट के लिए बनाइए लोगो या टैगलाइन, आपको मिलेंगे 25,000 रुपए बिल्कुल फ्री में। जी हां, भारत सरकार की अपनी वेबसाइट mygov.in पर फिर से एक नया कॉन्टेस्ट आ गया है, जिसमें हिस्सा लेने के लिए आप 11 सितंबर 2020 तक अप्लाई कर सकते हैं। जिन लोगों को पता नहीं है उन्हें हम बता दें कि सरकार के इस कॉन्टेस्ट के तहत आपको सरकार के इस डिपार्टमेंट के लिए, जिसका नाम है K-Ride, एक लोगो और टैगलाइन बनाना है। ताजा जानकारी के मुताबिक जिसका लोगो सबसे अच्छा होगा तो उन लोगों को 25,000 रुपए का प्राइस बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा। साथ ही में जो लोग टैगलाइन बनाएंगे तो जिसका टैगलाइन सबसे अच्छा होगा तो उनको भी 25,000 रुपए बिल्कुल फ्री में दिए जाएंगे। टैगलाइन किसे कहते हैं, इसे कैसे बनाया जाता है, लोगो किसे कहते हैं, लोगो कैसे बनाते हैं, इन सभी चीजों की जानकारी गूगल द्वारा यूट्यूब द्वारा आप हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों सरकार के कॉन्टेस्ट में कैसे हिस्सा लेना है, कौन सी वेबसाइट पर जाना है, इसकी ज्यादा जानकारी क्या है, इसके लिए भी हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे देंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो इंस्टाग्राम, टिकटॉक और यूट्यूब के 23 करोड़ से ज्यादा यूजर का डाटा हुआ लीक, आई है बड़ी खबर। जी हां, यदि आप भी इंस्टाग्राम, टिकटॉक या यूट्यूब का इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके लिए बड़ी खबर है। दुनिया भर के 23 करोड़ से ज्यादा यूजर का जो निजी डाटा है वो सार्वजनिक हो गया है। आपको बता दें इन यूजर में इंस्टाग्राम के यूजर, यूट्यूब के यूजर, इसके अलावा टिकटॉक के यूजर शामिल हैं। ताजा जानकारी के मुताबिक इस बड़े डाटा लीक की जानकारी सिक्योरिटी रिसर्च कंपनी CompareTech ने दी है। हाल ही में डार्क वेब के फोरम पर 15 बिलियन लॉगिन डिटेल लीक हुई थी, जिनमें 346 मिलियन डाटा को हैकर ने सार्वजनिक कर दिया था। यानी जो जानकारी यूजर की छुपी हुई होती है उसे कोई भी देख सकता था, इसे ही डाटा लीक कहते हैं। लेकिन आपको बता दें फिलहाल इस रिपोर्ट पर टिकटॉक की तरफ से, इंस्टाग्राम की तरफ से या यूट्यूब की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो टोक्यो में बनाए गए ट्रांसपेरेंट यानी कि आर पार दिखने वाले पब्लिक टॉयलेट, लेकिन इसके बावजूद भी अंदर से नजर नहीं आएंगे आप। जी हां, अपनी पावरफुल और एडवांस तकनीक के लिए पूरी दुनिया में मशहूर जापान ने एक ऐसा टॉयलेट बनाया है जिसके बारे में
जानकर आपको बहुत ज्यादा हैरानी होगी। जापान की राजधानी टोक्यो में कुछ ऐसे टॉयलेट लगाए गए हैं जो कि ट्रांसपेरेंट हैं, यानी ये टॉयलेट कांच से बने हुए हैं। कांच से बने होने के कारण इसको बिल्कुल आसानी से आर पार देखा जा सकता है। टॉयलेट की पिक्चर अभी आप अपनी स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं, लेकिन आपको बता दें इसमें एक नई तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। जब भी कोई इस टॉयलेट के अंदर जाता है तो टॉयलेट के हैंडल के पास एक तरीके का स्विच लगा हुआ है जिसको दबाते ही आर पार दिखना बंद हो जाता है। तो दोस्तों ये एक बहुत नए तरीके की तकनीक है कि कांच की कोई चीज बिल्कुल पूरी तरीके से ब्लर हो जाती है आदमी के अंदर जाने के बाद। ताजा जानकारी के मुताबिक ये बताया गया है कि ऐसा टॉयलेट इसलिए बनाया गया है ताकि जो बाहर के लोग हैं उनको ये पता चल सके कि ये जो टॉयलेट लगाया गया है ये बिल्कुल पूरी तरीके से साफ है और लोग फिर उसका इस्तेमाल करें। दोस्तों हम आपको इस अनोखे टॉयलेट का एक वीडियो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक द्वारा देंगे, जिस पर आप क्लिक करके इस टॉयलेट की वीडियो देख सकते हैं कि आखिर ये टॉयलेट किस तरीके से काम करता है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो आरसी तभी होगी जारी जब देंगे ये जानकारी फॉर्म 20 बदल रही है सरकार। जी हाँ, सरकार नए वाहनों के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के नियम को सख्त बनाने पर विचार कर रही है। सरकार ने कहा है कि उसने मोटर वाहनों के रजिस्ट्रेशन दस्तावेजों में मालिकाना हक को साफ तौर पर दर्ज करने के लिए फॉर्म नंबर 20 में बदलाव करने का एक मसौदा यानी कि फैसला तैयार किया है, जिसके लिए लोगों से राय भी मांगी गई है। दोस्तों आपको बता दें आने वाले दिनों में जो भी लोग नई गाड़ी लेंगे तो उसका मालिकाना हक बिल्कुल साफ तौर पर दिखाना होगा कि वो जो गाड़ी ली जा रही है तो वो स्कूल के लिए है या किसी विकलांग के लिए है या किसी पुलिस ऑफिसर की है या पुलिस विभाग के लिए है। यानी बिल्कुल साफ तौर पर बताना होगा गाड़ी के रजिस्ट्रेशन के वक्त के उसका मालिकाना हक कैसा है। फिलहाल जो नियम है उसके मुताबिक मालिकाना हक इतने साफ तौर पर नहीं पूछा जाता, लेकिन आने वाले दिनों में गाड़ी के रजिस्ट्रेशन के वक्त मालिकाना हक बिल्कुल साफ तौर पर बताना होगा अगर ये नियम लागू होता है तो। दोस्तों अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके फायदे की जानकारी बता दें कि अभी अमेजोन पर फुटवियर पर इसके अलावा बैग्स वगैरह पर काफी अच्छा डिस्काउंट चल रहा है, लगभग 60% का। तो जो भी लोग अभी चप्पल जूता या बैग वगैरह लेना चाहते हैं तो उन लोगों को ये सभी चीजें आम दिनों के मुकाबले में काफी ज्यादा सस्ती मिल सकती है। 60% डिस्काउंट का मतलब है कि मिसाल के तौर पर अगर कोई सामान 1,000 रुपए का है तो वो अभी आपको सिर्फ 400 रुपए में मिलेगा। अमेजोन की तरफ से कौन कौन सी चीजों पर छूट दी जा रही है इसके लिए हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे देंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो दिल्ली NCR में आने वाले पूरे हफ्ते होगी हल्की बारिश, 25 अगस्त को तेज हवाएं चलने का है अनुमान। जी हाँ, दिल्ली NCR को लेकर ये ताजा रिपोर्ट सामने आई है जिसमें ये बताया गया है कि आने वाले हफ्ते में यानी कि जो सोमवार से हफ्ता चालू होने वाला है उस पूरे हफ्ते बारिश होने की उम्मीद है। हालांकि बारिश हल्की होगी, लेकिन आपको बता दें इसी के साथ मौसम विभाग ने आज 22 अगस्त 2020 के लिए मौसम का पूर्वानुमान जारी किया है और बताया है कि पूरे देश में कौन कौन से हिस्सों में बारिश होने वाली है। तो ताजा मिली जानकारी के मुताबिक अगले 24 घंटे के दौरान गंगीय पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में, झारखंड में, उत्तरी तेलंगाना में, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इसके अलावा पूर्वी राजस्थान में, कोंकण में, गोवा में, तटीय कर्नाटका में, गुजरात के भी कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, लेकिन एक दो स्थानों पर भारी बारिश की भी चेतावनी जारी की गई है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, पंजाब के कुछ हिस्सों में, बिहार में, उत्तर प्रदेश के भी कुछ भागों में, इसके अलावा उप हिमालय पश्चिम बंगाल में, सिक्किम में, पूर्व उत्तर भारत में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। साथ ही में उत्तर भारत में, कर्नाटका में और आंध्र प्रदेश के भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। दोस्तों अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल। अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे और इस सवाल का जवाब देंगे तो इससे बहुत कुछ पता चलेगा पूरे देश के लिए। जैसा कि अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि चीनी बीमारी से बचने के लिए पंजाब ने और हरियाणा ने वीकेंड पर यानी कि शनिवार और रविवार के लिए सख्त लॉकडाउन का ऐलान किया है। यानी कि हर शनिवार को और रविवार को पूरी तरीके से लॉकडाउन रहेगा, जरूरी सेवाओं को छोड़कर सभी चीजें बंद रहेंगी। तो आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि चीनी बीमारी से बचने के लिए पूरे देश में वीकेंड लॉकडाउन लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए, यानी कि हर शनिवार को और रविवार को। तो फटाफट से अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें अपने पर्सनल राय के साथ। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो पेट्रोल बीते रोज फिर हुआ महंगा, आइए बताएं पेट्रोल डीजल के ताजा भाव। जी हाँ, पेट्रोल के दाम में एक बार फिर से बढ़ोतरी की गई है। ताजा जानकारी के मुताबिक पेट्रोल के दामों में 19 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। इस बढ़ोतरी के बाद अब राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 81 रुपए 19 पैसे हो गई है। अगर बात करें डीजल की तो डीजल के दामों में कोई भी बढ़ोतरी नहीं की गई है और ना ही कोई कटौती की गई है। अभी आपको राजधानी दिल्ली में 1 लीटर डीजल 73 रुपए 56 पैसे का मिलेगा। कोलकाता, मुंबई, चेन्नई के दाम आपकी स्क्रीन पर है, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। अगर आप इन चार शहरों में नहीं रहते हैं तो हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देंगे, जिस पर आप क्लिक करके अपने शहर के पेट्रोल डीजल का ताजा भाव जान पाएंगे। तो दोस्तों आज 22 अगस्त 2020 की यही ताजा खबरें थी और महत्वपूर्ण खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।